नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आपको बता दें कि आए दिन जिस तरह से कई मामले सामने आ रहे थे, यानी कि जहानाबाद में जिस तरह से श्रद्धालुओं के बीच भगदड़ मच जाती है, इसी बीच कितने लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। हालांकि जहानाबाद के सांसद डॉक्टर सुरेश प्रसाद यादव का भी बड़े बोल सामने आए थे। उन्होंने कहा था कि जाँच चल रही है, इसके पीछे कोई भी कारण हो उसे कार्रवाई की जाएगी। लेकिन वहीं डॉक्टर सुरेश प्रसाद यादव काफी ज्यादा एक्टिव और सक्रिय नजर आ रहे थे, मृतक के परिजन से मिल रहे थे। लेकिन अभी जो बड़ी खबर सामने आ रही है, ये खबर ये है कि अब भागलपुर में भी एक ऐसे ही खबरें सामने निकल कर आ रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि भागलपुर में 50 से अधिक श्रद्धालु पानी में डूबते हुए नजर आ रहे, यानी नदी में डूबते नजर आ रहे हैं। जी हाँ, पहले आप इस तस्वीरों को देखिए, उसके बाद हम आपके समक्ष बातों को रखते हैं। जैसा कि आप इन वीडियो और इन तस्वीरों के माध्यम से देखा कि किस तरह से श्रद्धालु की भीड़ उमड़ी है। हालांकि जिस तरह से वहां सेना भी तैनात है, लोग उनकी रक्षा कर रहे हैं, लोग वहां उन्हें वाटर से निकाल रहे हैं, लेकिन जिस तरह का अभी माहौल बना है, वहां छोटे बच्चे से लेकर कई वर्ग के लोग मौजूद हैं और जिस तरह से पानी का उफान है, लोग उसमें तैरते नजर आ रहे थे। जिन्हें स्विमिंग आती है, यानी जिन्हें तैराकी आती है, वो तो अपनी जान की बाजी को जीत जा रहे हैं, लेकिन जिन्हें तैराकी नहीं आती है, वो वहीं बुरी तरह से फंसे रह जाते हैं। हालांकि वहां लोग मौजूद हैं, लोग छोटे बच्चों को निकाल रहे, पानी से बचाने की कोशिश कर रहे, लेकिन अभी जो माहौल बना हुआ है सावन के महीने में, आए दिन श्रद्धालुओं के साथ इस तरह की जब खबरें सामने आती है, तो ये कहीं ना कहीं देश में नकारात्मक प्रभावित होते हैं और श्रद्धालुओं को लेकर जो पूजा पाठ की ओर जाना, धाम पे जाना, स्थल पर जाना, ये काफी संकोच में डाल देता है। तो तब तक इतना ही, ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज 24 पर। अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज 24 को सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।